नगर निगम की लापरवाही और बरसात के कारण पुलिस लाइन के आवासीय भवन के पास की बाउंड्री ढह गई, जिससे वहां रहने वाले परिवारों में सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा। आपको बता दें कि धर्मशाला बाजार से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले सड़क पर पुलिस लाइन के पास नगर निगम ने कूड़ा पड़ाव बना रखा है और निगम की गाड़ी कूड़ा उठाने आती है, लेकिन उसकी लापरवाही से पुलिस लाइन की बाउंड्री गिर गई और यहाँ रहने वाले पुलिसकर्मियों का परिवार असुरक्षित महसूस करने लगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वहाँ रहने वाले पुलिसकर्मी नित्यानंद ने बताया। तो यहाँ हम लोग उस समय थे जल जमा, आप अपने रेलवे स्टेशन की तरफ की पुलिस लाइन की बाउंड्री वाल जो है ये गिरा दी गई है कूड़ा उठाते समय, और यहाँ जो है 15-20 परिवार जो है और ये पूरा लाइन परिसर जो है सुरक्षित हो गया सुरक्षा की दृष्टि से। इसे जो है कूड़े से पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसको जो है थोड़ा ठीक कराया जाना जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मेन रास्ते से सटा हुआ है, इधर से जो है लोग आवागमन जो है बनाए हुए हैं। तो बच्चे भी रहते हैं परिवार? हाँ, परिवार बच्चे हैं। उनको बीमारी का डर नहीं है? अरे बहुत बड़ा डर है, हाइजेनिक तो है ही नहीं, कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। तो कूड़ा पड़ाव कब बना है? कूड़ा पड़ाव ये इसी एक साल के अंदर बना है।